हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन। फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। महंगाई का शेयर मार्केट पे क्या कोई प्रभाव पड़ता है? क्या महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से शेयर मार्केट स्टेबल होता है या ऊपर जाता है या नीचे आता है, क्या होता है, इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। जब हमारे रोजमर्रा की चीजों पर या फिर कोई भी चीज हो, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हो, उनके दाम सस्टेनेबिलिटी तरीके से यानी कि बराबर तरीके से, बराबर एक लगातार उसके अंदर फिनोमेना होता है कि वो प्राइस जो है उसकी बढ़ती चली जाती है। तो अगर ये हम पिछले साल के इसके डेटा से हम कंपेयर करते हैं, हम पाते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में इसी समय क्या रेट थे और ज्यादातर वस्तुओं के दाम अगर कंपैरिजन में बढ़ गए तो हम कह सकते हैं कि एक इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो गई है देश में, यानी कि महंगाई की दर बढ़ गई है। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो 100 रुपया है वो जो एक साल पहले कर सकता था वो अब नहीं कर पाएगा। अगर सपोज करिए कि 5% की दर है महंगाई की, यानी इन्फ्लेशन की रेट अगर 5% है, तो 100 रुपये आपका वो काम नहीं कर पाएगा। अब वो केवल 95 रुपये के बराबर ही काम कर पाएगा। 100 रुपये तो 100 रुपये है आपके पास, लेकिन अब उसमें उतनी क्षमता नहीं है कि वो पिछले साल के बराबर वस्तु और सेवाओं को खरीद सके। तो ये हो गई महंगाई। इन्फ्लेशन से होता क्या है? इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट ये होता है कि हमारी जो परचेजिंग कैपेसिटी होती है, हमारी जो परचेजिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। यानी हम अगर 100 रुपये कमा रहे हैं और आज 5% की दर से इन्फ्लेशन बढ़ गई और हमारी इनकम आज भी 100 रुपये है, यानी 5% इन्फ्लेशन हम कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल के डेटा से। हम पिछले साल 100 कमा रहे थे और इस बार भी 100 ही कमा रहे हैं, इस साल भी हम 100 ही कमा रहे हैं। 5% इन्फ्लेशन हो गया, यानी हमारे रुपए की जो ताकत है वो हो गई 95 रुपये। तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वास्तव में वो कम हो गई। हम पिछले साल से कम कमा रहे हैं और कम हमारा जो है रुपए की जो कीमत है, हमारी जो करेंसी कीमत है वो घट गई। तो इनडायरेक्टली हम एक मुसीबत में, एक कठिनाई में जीवन यापन करेंगे। इससे होता क्या है? हाई अगर इन्फ्लेशन का जो रेट है, अगर हमारे देश में हाई इन्फ्लेशन का रेट है, वो हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। अब इकोनॉमी में इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, हम लोग हैं, आम जनता है, सरकार है, व्यापारी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सभी लोग हैं, सभी इससे परेशान होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इन्फ्लेशन का प्रभाव जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके इनपुट कॉस्ट पे पड़ेगा, उनके मटेरियल कॉस्ट महंगे हो जाएंगे, तो फिर उनको उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो इम्पैक्ट है यानी कि प्राइसिंग है, उसको बढ़ा के करनी पड़ेगी। इस तरह से उसका प्रभाव एक सबके ऊपर चला जाता है। तो इससे ओवरऑल क्या होगा, इससे शेयर बाजार पे क्या होगा? शेयर बाजार पे इसका एक जो है जो पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है वो हर्ट होता है। यानी ओवरऑल मार्केट जो है ना इन्फ्लेशन से डरता है, इन्फ्लेशन से डरता है। इन्फ्लेशन इज नॉट गुड फॉर द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के लिए इन्फ्लेशन एक अच्छी चीज नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहनी चाहिए, इन्फ्लेशन को 5% से नीचे रहना चाहिए। 5% से नीचे इन्फ्लेशन रहे तो ये एक अच्छी बात होगी। अगर ये 5% से ऊपर चलता चला जाता है तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। अब इन्फ्लेशन को नापते कैसे हैं? इन्फ्लेशन को दो डेटा से, गवर्नमेंट के डेटा हैं, गवर्नमेंट इसको मेजर करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको, इसका जो डेटा होता है उसको वो जारी करती है। इसमें दो डेटा है, एक तो आपका है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज जो भी इसमें गवर्नमेंट ने एक उसका मतलब ग्रुप बनाया हुआ है और होलसेल लेवल पर यानी होलसेल मार्केट पे उसकी जो प्राइजेस है उसको वो कंपेयर करती है पिछले साल के मुकाबले। तो ये बताता है कि होलसेल मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का जो दाम है, ये बताता है कि होलसेल मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो दाम है जो आज है और वो पिछले साल इसी हफ्ते कितना था। अब ये आम जनता से इसका उतना सामना नहीं होता है, लेकिन इसे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि होलसेल मार्केट ही तो बाद में रिटेल में कन्वर्ट होगा, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले साल होलसेल प्राइस कहाँ था और इस साल कहाँ पे है। दूसरा जिसका कि सामना हमसे है यानी आम जनता से है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI। जी हाँ, CPI। अब CPI में क्या है कि जो हम प्राइस का मूवमेंट का जो कंपैरिजन करते हैं, प्राइस मूवमेंट का जो कंपैरिजन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का,
वो रिटेल लेवल पर करते हैं, यानी कि रिटेल यानी कि खुदरा बाजार में, फुटकर बाजार में जो डेटा है प्राइस का, वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो उसने उसका जो ग्रुप बनाया हुआ है उन सारी वस्तु और सेवाओं का प्राइस पिछले साल के प्राइस से इस साल के प्राइस से कंपेयर किया जाता है और इन्फ्लेशन की रेट निकाली जाती है। तो आज के समय में अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो WPI करीब करीब जो है वो 14% के आसपास चल रहा है और CPI की जब बात करते हैं तो वो 5% के थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है फॉर द गवर्नमेंट। और ये मैटर ऑफ कंसर्न ये पूरी तरह से जो है कोरोना काल में ये चल रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि इजी मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है पूरी दुनिया जो है इस समय, सारी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो इन्फ्लेशन के डर से एकदम जूझ रही है और इसी कारण थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में हम करेक्शन भी हाल के दिनों में देख चुके हैं। तो अभी जो सेंट्रल बैंक है, जो सभी विश्व के सभी देशों के सेंट्रल बैंक है, उनका ये कोशिश है कि इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।